अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो समय समय पर KYC अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोगों को KYC अपडेट कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आपको KYC अपडेट कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को राहत देते हुए फ्रेश KYC के लिए अपडेट जारी किया है। तो क्या है ये अपडेट, चलिए जानते हैं। नए अपडेट के मुताबिक अब ग्राहक फ्रेश KYC करवाने की प्रक्रिया घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी VCIP प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं। RBI ने इसके लिए सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। RBI ने कहा है कि अगर KYC में कोई बदलाव नहीं होता है तो re-KYC को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन के भी किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक ने देश के सभी बैंकों को निर्देश भी दिए हैं। RBI ने सलाह दी है कि ग्राहकों को अलग अलग नॉन फेस टू फेस चैनलों के जरिए भी इस तरह के सेल्फ डिक्लेरेशन करने के ऑप्शन भी दिया जाए। RBI ने कहा है कि अगर ग्राहकों ने पहले ही वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला है तो उन्हें नो योर कस्टमर यानी KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए अपने बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल RBI को KYC से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थी। ग्राहकों का कहना था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद भी डिजिटल re-KYC का प्रोसेस बैंकों के वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए प्रोसेस नहीं हो पाता है। RBI के मुताबिक कस्टमर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ATM, ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या फिर लेटर के जरिए re-KYC के प्रोसेस को पूरा कर सकता है। इसमें बैंक के ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर केवल पते में बदलाव होना है तो इन माध्यमों के जरिए एड्रेस प्रूफ जमा कराया जा सकता है और बैंक को 2 महीने के भीतर वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। RBI के मुताबिक कस्टमर ये सुविधा देने वाले बैंकों में वीडियो कॉल कर सकता है। कस्टमर वीडियो कॉल के जरिए एक नई KYC प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। RBI ने ग्राहकों से KYC डिटेल अपडेट करने के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करने को कहा है। RBI ने कहा है कि एक नई KYC प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बैंक रिकॉर्ड में मौजूद डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंट लिस्ट के मुताबिक ना हो। अगर पहले जमा किए गए दस्तावेज की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो नई KYC की भी जरूरत है। दिसंबर में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट किया था कि बैंकों को कस्टमर को ब्रांच बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए। गवर्नर का स्पष्टीकरण तब आया था जब कई ग्राहकों ने कहा था कि उनके बैंक उन्हें 31 दिसंबर 2022 से पहले KYC के लिए ब्रांच में आने के लिए कह रहे हैं। इस KYC मांग से ये आशंका पैदा हो गई थी कि अगर ग्राहक बैंक में नहीं आते हैं तो खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। तो अब KYC को लेकर RBI ने नया अपडेट जारी कर दिया है और KYC के प्रोसेस को काफी ज्यादा आसान भी बना दिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।